नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं अभी खजांती और खजांती से आप लोगों को कौवा बाग तक का जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है, फोर लेंथ बन रहा है, उसका अपडेट मैं आप लोग को दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोग को काफ़ी दिनों के बाद फिर एक कौवा बाग जल बाईपास का जो है अपडेट देने आ गया हूँ। तो यार, एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इधर देख सकते हैं जो अभी काम है, अभी भी इसका पुल का काम जो था वो कम्प्लीट हो गया दोनों साइड का, बट अभी जो हाईवे का काम है अब फोर लेंथ का वो अभी कंप्लीट नहीं है, अभी आधा ही हुआ है। बात किया जाए तो कुछ परसेंट अभी तो 85% के आसपास काम हुआ है, 15%। और इधर देख सकते हैं गाइस, एक ट्रक पलट गया है, शायद ये डिवाइडर में पता नहीं कैसे डिवाइडर भी चढ़ा दिए थे का उसमें, और ये ट्रक पलट गया है। तो शायद आशा करते हो कि ज़्यादा हानि ना हुआ हो, ड्राइवर वगैरह सब बचे रहें। और गाइस, इधर का बैठ कर वीडियो आप लोग देख सकते हो लेफ्ट में, जो कि है आपका गिट्टी उट्टी पड़ चुका है, रोलर भी चल चुका है, बट अब इस पे जो काम है लास्ट चरण का वही बाकी रह गया है। तो डिवाइडर पहले से ही बन चुका है और जो काम आप लोग देख रहे हैं कि इसका अभी भी काम काफ़ी ज़्यादा बाकी है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को कौवा बाग तक चलूँगा और पादरी का जो पादरी बाज़ार का उसका भी नज़ारा आप लोग को दिखाऊँगा। तो आप लोग अपडेट देखिए, और बारिश हो भी रही है इस समय गोरखपुर में भी बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और बारिश की ज़रूरत भी है गाइस, क्योंकि बारिश में भी धान जो किसान लोग हैं उन लोगों का और हम लोग जो हैं उसका तो लाजमी है कि बारिश होना, क्योंकि बारिश नहीं होगा तो धान तो होगा नहीं, इसकी वजह से बारिश होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग देख ही सकते हैं कि इसका अपडेट यही है कि काम अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग वीडियो को बहुत कम लाइक करते हैं, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक। इस वीडियो में मैं आप लोग को टारगेट रखता हूँ 50 लाइक का, 50 लाइक ज़्यादा नहीं है बट 15 लाइक कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। फातिमा आप लोग लेफ्ट में देखते हैं, फातिमा हॉस्पिटल है, अभी मैं फातिमा तक आ गया। अभी 10 सिलेंडर वाले भाई साहब को देखिए, 4 सिलेंडर दो पीछे, दो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड बांधे हुए हैं। यार, मेहनत तो करना पड़ेगा, लाइव में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग को यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं आप लोग के लिए, अपडेट लाते रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और यार चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस, और मौसम बहुत ही सुहाना हुआ है और बारिश भी हो रहा है इस समय, और इधर देख सकते हैं अभी जाम की कोई संभावना नहीं है गाइस, देख सकते हैं अभी भी इधर कम्प्लीट नहीं हुआ, अभी इनकम्प्लीट है, कार्य अभी चल रहा है, बट अब धीरे धीरे बरसात आ जाएगा तो कार भी जो है गाइस वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बारिश में तो होने वाला है नहीं कार। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को जो 6 लेन बन रहा है गोरखपुर में, गोरखपुर का पहला 6 लेन जो बन रहा है 900 वाला, उसका भी अपडेट दे दिया जाए, बट वेट करिए, मैं जल्दी आपका उसका भी अपडेट दूँगा। बेटा, आप लोग कौवा लेन जो ए वाला है, खजांती वाला और जेल बाईपास इस तरह से पादरी बाजार कहा जाए, तो इसका तो अपडेट आप लोग को दे रहे हैं तो उसको लाइक तो करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और इस साइड आप लोग आएंगे तो आप लोग खजांती की साइड में बांसी की दुकानें काफ़ी ज़्यादा थोक में मिल जाती हैं। और आगे चलते हैं, आगे का पूरा अपडेट आप लोग को दिखाते हैं। आगे है आपका पादरी बाजार, आप लोग देख ही सकते हैं, बिलोटर का काम भी चल रहा है और गिट्टी उट्टी सब पड़ चुका है, और राइट में आप लोग भी देख रहे हैं नाली का जो कार था वो भी चल रहा है, और लेफ्ट में नाली का काम हो चुका है, और जो बाकी खुदाई वुदाई था वो उसको कंप्लीट हो गया, नाली का काम भी आप लोग लेफ्ट में देख सकते हैं चल भी रहा और कंप्लीट भी हो गया है। आपका सामने है पादरी बाजार जो कि आप लोग देख सकते हैं, और इस रोड पे आपको दो पेट्रोल पंप देखने को मिल जाता है, एक आप खजांती से आते हैं तो तब आप लोग को जो नया पुल बन रहा है उसके आसपास देखने को मिल जाता है, एक आप लोग को पादरी बाजार, आप लोग देख सकते हो पादरी बाजार है, और आप लोग पादरी बाजार से आप लोग जो बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं उसी के साइड में आप लोग को एक पेट्रोल पंप और भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर जो आते हैं खजांती से तो आपको इस रास्ते पे दो पेट्रोल पंप देखने को मिल जाता है, आप लोग राइट साइड में आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि एक और पेट्रोल पंप है जो कि इसमें न्यू ओपन हुआ है, तो आप लोग को दो पेट्रोल पंप इस रास्ते पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप लोग को सीधा मुअद्दीपुर का जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर मिलेगा। तो इस रास्ते पर भी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, और ए वाला जो रोड आप लोग का है
पादरी बाजार से जो आपका जेल बाईपास तक जाता है उसका काम कंप्लीट हो गया, पर बहुत थोड़ा सा ही काम रह गया है जो कि पुल की वजह से काम रुका हुआ है। इस जो पुल वाला है इसी की वजह से काम रुका हुआ, क्योंकि बरसात भी आ गया है जिसके वजह से एक काम बंद पड़ा है। बारिश आने से पहले ही, यानी बरसात आने से पहले ही अगर जो काम कंप्लीट हो गया होता तो आप जो इधर का भी आप लोग देख सकते हो रोड चौड़ा हुआ है वो भी कंप्लीट हो गया होता, बट पुल की वजह से उतना कार्य नहीं हो पाया। और यहाँ से आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से पूरा रोड आप लोग को कौवा पार्क तक पूरा एकदम चकाचक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि नाली का भी काम कंप्लीट हो गया है और एक भी जो पुल है पुल का भी कंप्लीट हो गया है। इसकी वजह से इधर कोई भी दिक्कत नहीं है, बट आप लोग को पादरी साइड में जाएंगे तो उधर का पुल का और का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए वो काम अभी भी चल रहा है। और वाला काम जो आपका जेल बाईपास वाला है, यानी बिछिया जोर वाला जो है वो वाला काम कंप्लीट हो गया है। तो आशा करते हैं आप लोग को ब्लॉग पसंद है, पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक वीडियो आप लोग के लिए धमाकेदार आएगा जो कि आप लोग के लिए आएगा, कुछ बचपन की यादें जो गोरखपुर के गाँव के कुछ बचपन की यादें होती है उसको मैं अपलोड करूँगा। एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा समय लगा उसको शूट करने में, कुछ पार्ट कलेक्ट कर लिया हूँ, अभी कुछ पार्ट शूट करना है जिसकी वजह से टाइम लग सकता है, बट वो ज़बरदस्त वीडियो होगा। आप लोग को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। और सावन का लास्ट सोमवार भी आने वाला है, ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप लोग का जो पचेता हो तो खत्म हो गया सावन, एक तरह से नागपंचमी होता है खत्म हो गया, अब आपका आएगा रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन में आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं पहले से एडवांस में दे रहा हूँ, बट उसका भी समय आ गया, 11 तारीख को रक्षाबंधन है, 9 तारीख को आप लोग का एक और मेला लगता है जो वो है। तो यार गाइस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ भी एक नाली का काम बाकी है जिसकी वजह से इधर का नाली और पुल इसकी वजह से इतना ही ज़्यादा इधर का काम इनकम्प्लीट है, इस पुल की वजह से इतना काम छूटा हुआ है, अगर ये पुल बन गया होता तो ये काम भी कम्प्लीट हो गया होता। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई साहब, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पे ऐसे ही ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं जो कि एक क्या जेल बाईपास यानी जेल बिछिया जेल सामने बाउंड्री आप लोग देख सकते हैं बिछिया जेल का, और लेट में भी काम ज़्यादा बाकी है इस बरसात की वजह से देख सकते हैं पानी उनी लग रही है वो भाई, इसीलिए करते बरसात से पहले अगर जो काम कम्प्लीट हो गया होता तो कितना सही हुआ होता। तो आप लोग देख सकते हैं जो बना है नाली उस पर कवर रखा गया है, बट उतना अभी पूरा अच्छी तरह से कवर रखाया नहीं है। तो बस आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग को ब्लॉग पसंद ट्राई की, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।